अखिलाश जी एक एक सेकंड सुरेश चंद अखिलाश जी, अरे सर सर सर, अरे ना 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 ना, अरे ना ना, अरे ना ना, एक सेकंड, अरे ना 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 ना, एक 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 सेकंड, एक 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 एक, शांत रहे शांत रहे। वही हमारे साथ इस वक्त खास चर्चा में ए के मिश्रा है, सीनियर जर्नलिस्ट। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जब इस खास चर्चा में ए के मेरे साथ होते हैं तो पहला कॉमेंट उनसे लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल चलिए खास चर्चा आगे शुरू करें। दूसरे ये अभी का रोग नहीं है, ये अभी का रोग नहीं है। 1932 से 34 तक जो पूना पैक्ट चला था, जब बाबा साहेब ब्रिटिशियन से कह दिया करते थे कि मैं आपको 500 विद्वानों के बराबर नजर नहीं आता हूँ, तो तब यही लोग ये सोचते थे कि ये अकेला अम्बेडकर पढ़ने लिखने के बाद जब ऐसा बात करता है तो होल सोसाइटी जब इसकी पढ़ जाएगी तो फिर ये तो यहाँ नहीं रहने देंगे, बैक टू पेवेलियन कर देंगे। तब से ये बीमारी आज तक चली आ रही है। नहीं तो जैसे बड़ा सामान्य वो है डायलॉग है मेरा, कि जैसे ऊंची नीची जमीन से भरपूर मात्रा में फसल नहीं ली जा सकती, ऐसे ही ऊंची नीची व्यवस्था से न किसी का विकास हो सकता है न किसी का कल्याण हो सकता है। तो जिनकी मानसिकता ऐसी है उनको ये सोचना चाहिए, जिनकी सरकार चल रही है उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये जो गांव के प्रधान से लेकर के डीएम तक इसमें जिम्मेदार होते हैं, एक की लायबिलिटी नहीं है, गांव का प्रधान बेसिक ऑफिसर है उसका व्यवस्था का देखने का, फिर उसके बाद एबीएसए है, बीएसए है, डीएम है, एसडीएम तो बीआरसी पर बैठते हैं, एसडीएम तो बीआरसी पर बैठते हैं। जिस दौरान कोई बहन बेटी जो टीचर है अगर वो मैटरनिटी लीव की दरख्वास्त लेकर के जाए तो 5,000 रुपए मांगते हैं बीएसए महोदय, लेकिन सफाई पर ध्यान नहीं जाता। और कोई टिकट मांगने जाए तो कितने करोड़ रुपए मांगते हैं ये भी बता दीजिए। यारो मेरी बात समझ नहीं आती, व्यवस्था से कुछ लोगों का उद्धार हो सकता है, पति बन सकते हैं। यहाँ टिकट बिक रही है क्या? कुछ लोगों का उद्धार हो सकता है, पति बन सकते हैं। यहाँ टिकट बिक रही है क्या? सफाई सुरक्षा में टिकट बिक रही है क्या? इसमें टिकट बिक रही है? आप बीजेपी के दलाल हो क्या? समझ नहीं आती। एक एक सेकंड, एक एक सेकंड, क्या मतलब है इसमें? क्या मैटरनिटी लीव की एप्लीकेशन सेंशन करने पे 5,000 रुपए मांगेगा बीएसए? तो आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दूर किया? ये हमने किया, दो साल थी, हमने किया दूर, हमने अरेस्ट करा, बात हमने अरेस्ट करा रही है, उसमें राजनीति क्यों घुसा है? अरे हमारे 12 से आप शासन हो गए, बातों पे आप राजनीति क्यों? 2000 अगला कोई एक सेकंड मारो, अगला कोई आ रहा हूं, छोटे छोटे अगला कोई, अगला कोई सरकार है वापस समझाएंगे। एक है, एक है, ठीक है, ठीक है, बोल रहे जी, आ रहा हूं, बोल रहे जी, ठीक है। बच्चों के दिमाग में ये डालते हो कि देखो जी, अच्छा दूध पतले के स्कूल मैंने बन रहा था, ठीक है, दूध पतले के स्कूल मैंने बन रहा था, सुरेश चंद्र जी, एक बात की व्यवस्था, एक एक अगला भाई, अगला, अरे तो आपकी व्यवस्था ने क्या उखाड़ दिया? ये सुनिए, एक एक नहीं आप भत्ते एक एक सेकंड, एक एक सेकंड, भाई ये तो बदतमीजी है, अरे अपराध कर रहे हैं, बदतमीजी है, कन्विक्शन हो नहीं रहा है, ये आपकी व्यवस्था है। व्यवस्था जो शुरू से बनाई गई वो आज चल रही है, व्यवस्था जो आज से बनाई गई वो चल रही है, जरूरी उसे बदलने का है। अखिलाश भाई एक एक सेकंड, एक एक सेकंड, 370 दी थी उसको हटाना पड़ गया हमें, ठीक है, ठीक है, एक 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 सेकंड, एक 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 सेकंड, एक 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 सेकंड, एक एक सेकंड, एक 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 एक, ठीक है, एक पानी पीजिए, ठीक है, एक अगला भाई आ रहा हूँ सेकंड में, चैनल पर बैठे एक मर्यादाओं का सभ्यता में रहकर बोलिए, डिबेट रही बोलिए, बोलिए मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हो, अगला भाई सुनिए ध्यान से, पूरी करो अगला भाई, सुरेश चंद्र जी रुक जाइए ना, एक सेकंड रुकिए, अरे एक सेकंड मुझे रोकनी पड़ेगी, एक सेकंड रुकिए, एक अरे एक लाख एक सेकंड, एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी रुकिए, एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक है, एक है, ठीक है, ठीक है, एक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्यों गया? और सबसे पहला राजनीतिक दल है, अरे आप कैसे नहीं माने उस दौरान? सरदार पटेल नहीं माना? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए हम लोग मुद्दे पर आएंगे, एक सेकंड, एक है, 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 एक है,
एक एक पढ़कर क्या आया करो, पढ़कर क्या आया करो, पढ़कर क्या आया करो, एक 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 ठीक है सुरेश जी रुकिए, अखलाक जी एक एक सेकंड सुरेश जी, अखलाक जी अरे सर 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 अरे ना 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 अरे ना ना अरे ना ना एक सेकंड अरे ना 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 एक 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 सेकंड एक 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 शांत रहे शांत रहे, अखलाक जी एक एक सेकंड सुरेश जी, अखलाक जी अरे सर 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 अरे ना 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 अरे ना ना अरे ना ना एक सेकंड अरे ना 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 एक एक जनता दरबार लगाने के लिए बड़ा टीन शेड बड़ा सा एक हॉल बन जाता है, दस दस एयर कंडीशनर वाला सर, और प्राइमरी स्कूल के हालात नहीं सुधरते अपने क्षेत्र के सर, अतिशयोक्ति भी नहीं करें इस बात में। दूसरी बात आप सदन का आप सुनिए, थोड़ा बोलने दे मुझे, आप सदन का जो जीरो आवर है उसको देख ले, उसमें हमारे सांसदों ने विशेषकर उत्तर प्रदेश के सांसदों ने शिक्षा के विषय में कितने प्रश्न उठाए सर, आप यदि मैं नहीं जानता गुलरेश शेख जी सरकार आप ही की और आप ही सवाल उठाएंगे आपके सांसद ना, मेरा सिर्फ ये क्या है अखलाक जी, अरे उसको तो तुम भिखारी बनाने की मानसिकता के तहत, अगर मान लीजिए जो फंड जाता है न प्रधान उसमें कुछ मक्कारी कर सकता, न मेरा स्कूल का मास्टर परेशान होगा, जितना पैसा बनता है उस बच्चे के स्कूल में जैसे आप वजीफा उसके खाते में भेजते हो उसी तरह की व्यवस्था कर दी जाए, तो उसका माँ बाप चाहे उसे अखरोट खिलाए चाहे बादाम खिलाए चाहे कुछ खिलाए, बहरहाल उसका दिमाग कुछ मजबूत हो सकेगा। इसलिए ये ऊंची नीची व्यवस्था उचित नहीं है, न मनोविज्ञान स्तर पर, न सामाजिक स्तर पर, न राजनीतिक स्तर पर। हम तो इस बात से भी परेशान है कि भाई आरएसएस वालों को सारा जमाना बदनाम करता है, लेकिन यहाँ तो आरएसएस का भी शिशु मंदिर नहीं बख्शा गया, ठीक है, इसलिए आप सोचें। अरे देखिए क्या है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर इसी फंडे पे बात किया जाए तो एक स्कूल खोलने पे या एक बच्चे को पढ़ाने में जितना खर्चा आता है वो सीधे फंड ट्रांसफर कर दे इन लोगों के खाते में, बच्चों के स्कूल बनवाने की भी जरूरत नहीं ना, है ना, 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 अरे क्यों ना ना ना, ना? मैं ना, आपके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, अरे भैया मेरी बात सुनो, वो खाने की बात है वो स्कूल की बात नहीं है, अरे हद हो गई, वो शिक्षा का केंद्र है, आप सजेस्ट कर रहे हैं, अरे ये नाश्ते की बात है, ऐसे ही वो शिक्षा की बात है, शिक्षा तो स्कूल में चाहिए, इतना बजट है सब लोगों को कैश ट्रांसफर कर दो, बोलो भाई घर में ही पढ़ लो, न बिल्डिंग बनाने की जरूरत न मास्टर, नहीं तो फिर क्यों अंदर कर रखा है पब्लिक स्कूल में, लागू करवा लो, गलत कॉन्सेप्ट मत दीजिए, मिड डे स्कूल मिड डे खाने बनाने का ग्रेटर कॉल है पब्लिक स्कूल में लागू कर रहा हूं, मतलब ध्यान ध्यान कर रहे थे, सुनिए उसी मनोविज्ञान का मैं बता रहा हूं, समझ के बोला करिए, फूड देने का मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान और साइकोलॉजी ये है बच्चों को क्यों नहीं, बच्चों बाल क्या बता रही है खाने के, उनको भी लागू कर दो ना, उनको समय पे मिले, तुम अंतर नहीं समझते तो क्यों रखा है, उनकी ग्रोइंग एज रहती है, उनको घर जाते हैं स्कूल वाले के बूढ़े आते हैं, हर काम डायरेक्ट पैसा दे देने से नहीं होता, नर्सरी में आते हैं उसमें आते हैं टीचर रखने की क्या जरूरत है, दे दीजिए पैसा उसका, जो मैंने वही बोला ना, अरे भाई स्कूल जनाब कर लीजिए, स्कूल एक शिक्षा का केंद्र है अलग चीज है, तो किताबें और जो खाने पीने की चीज है वो पैसा अलग चीज है, किताबों का पैसा वो अलग चीज है, वर्दी है वो अलग चीज है, अपना इम्पोर्टेंस है, वो अलग चीज है, पेन और पेंसिल का अपना इम्पोर्टेंस है, स्कूल प्रीमाइसेस का अपना इम्पोर्टेंस है, स्कूल प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं, पढ़ लीजिए ना उसको, एडमिन छेद दे दे, स्कूल क्या होता है अपने स्कूल प्रीमाइसेस की बात ना छेदें, वहां पढ़ने का फायदा कुछ और होता है, प्रोडक्टिविटी कुछ और होती है, इंटरेक्शन होता है, ये चीज तो पब्लिक स्कूल में भी लागू कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये 1932 से 1934 वाला मामला है, 1935 में इस देश में पब्लिक स्कूल देहरादून बन गया था, सबके पास बैंक अकाउंट तो है नहीं, कहां पैसा किसको दे दे,